एमयू में बलात्कारियों के विरोध में निकाला छात्र छात्राओं ने पैदल मार्च, जहां हजारों की तादाद में रही छात्र छात्राएं मौजूद। देश की बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर एमयू छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। वहीं सड़क पर उतरे एमयू छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरोध में की नारेबाजी। कोतवाली अतरौली थाना क्षेत्र में जमीन की खातिर बेटे ने साथियों के साथ मिलकर की अपने माता पिता की गोली मारकर हत्या। वहीं आरोपी बेटा मौके से फरार, इलाके में फैली सनसनी। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, सबको भेजा पोस्टमार्टम के लिए। अलीगढ़ में भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर नगर आयुक्त व नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों ने मलिन बस्ती सराय लवरिया में किया सफाई कार्य। आज अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, डॉक्टर अंबेडकर साहब का, और उसके क्रम में हम लोगों ने शहर में आज जो 5 ऐसी बस्तियां हैं जहां पर SC ST पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मलिन बस्तियों पर एक साथ अभियान रखा है सुबह 8 बजे से। और ये अभियान एक दिन के या कुछ घंटों का नहीं है, ये अभियान सारे मानकों को सैचुरेट करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे। तो आज इसका शुभारंभ सराय लवरिया के इस मोहल्ले में हम लोगों ने किया है। वहीं घंटाघर अंबेडकर पार्क की मूर्ति के शीशे की मरम्मत नहीं होने पर बस्ती के लोगों ने जताई नाराजगी, नगर आयुक्त ने मूर्ति के शीशे की मरम्मत का दिया आश्वासन। अलीगढ़ के थाना कुआरसी की पुलिस ने मोहन नगर में चेकिंग के दौरान 5 आतंरिक बदमाशों को गांजा, 1 तमंचा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया। इस बरामद गांजे की कीमत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। अदक पदार्थों के तस्कर पकड़े गए हैं, जो जिनका इनकी पूछताछ के अनुसार दिल्ली से लाकर वो गांजे की बड़ी खेप यहाँ सप्लाई करते थे। लगभग 35 किलो गांजा इनके पोजीशन से पकड़ा गया है, लेकिन ये जो लंबी चेन है उसकी छोटी सी कड़ी है जिनमें ये 5 लोग पकड़े गए हैं। और भी लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और बहुत ही शीघ्र इसकी पूरी चेन का हम पर्दाफाश करेंगे। अलीगढ़ कोतवाली पुलिस ने 4 दिन पूर्व अपहरण हुई 2 साल की बच्ची के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि आरोपी ने अपने साले की 2 बच्चियों का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या की बात भी कबूल किया है। फिलहाल पुलिस इसको साइको किलर मान रही है। मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति प्राप्त मालूम होता है। एक महिला जिसके साथ ये लिविंग रिलेशन में रहता था और उसका पति आज की तारीख में जेल में है, उसके 2 वर्ष की बच्ची को जब महिला ने उसको ये बताया कि उसका पति अब जेल से आने वाला है और तुम्हें जाना पड़ेगा, दूसरी जगह जाके रहो, तो ये उस 2 साल की बच्ची को लेके वहाँ से भाग गया। और इसका ये कहना है कि उसके थोड़ी देर बाद उसने उस बच्ची को मार के उसके शरीर में पत्थर बांध के नीवरी के एक तालाब में उसने फेंक दिया।